बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्री फार्मिंग 520। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि ज़राअत के मुतल्लिक जितनी भी वीडियोस हैं वो आसानी से आप तक पहुंच सकें। तो आज की इस वीडियो क्लिप में हम बात करेंगे कि जो गंदम की लेट काश्त है यानी कि पिछेती काश्त है, जो उसकी पैदावार कम क्यों आती है, क्या वजह है जो उसकी पैदावार नहीं आती तो जो अगली काश्त है उसकी पैदावार ज़्यादा आती है। तो जो हम लेट कास्ट करते हैं, सबसे पहला मसला तो यह है कि उसकी जर्मिनेशन कम होती है। जर्मिनेशन कम होगी तो हमारे जो प्लांट पॉपुलेशन है वो पूरी नहीं होगी। जब तक हमारे प्लांट पॉपुलेशन, एकड़ की प्लांट पॉपुलेशन ही पूरी नहीं होगी तो हमारी औसत पैदावार ऑटोमेटिक कम आएगी। तो दूसरा मसला यह है कि गंदम का जो सिट्टा बनाने का दुरानिया है वो तकरीबन 100 दिन के बाद सिट्टा निकलना शुरू होता है। तो जब हम लेट कास्ट करेंगे तो जो गंदम का सिट्टा है वो फरवरी की बजाय मार्च में जाकर निकलेगा, क्योंकि 100 दिन मार्च में उसका पूरा होगा तो वो निकलेगा। तो गंदम की पोलिनेशन के लिए जो हमें टेम्परेचर चाहिए होता है वो तकरीबन 20 से 25 सेंटीग्रेड चाहिए होता है। तो जब सिट्टा मार्च में निकलेगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, यानी कि 30 सेंटीग्रेड तक होगा या उससे ऊपर होगा। तो गंदम की जो पोलिनेशन है वो प्रॉपर नहीं होगी, जिसकी वजह से दानों की भराई नहीं होगी, तो दाने का सेल छोटा रह जाएगा, तो हमारी औसत पैदावार में ऑटोमेटिक कमी आ जाएगी। तो इसकी निस्बत अगर हम अर्ली कास्ट करते हैं, 15 नवंबर तक गंदम की कास्ट करते हैं, तो उसका जो प्लांट पॉपुलेशन भी पूरी होगी, जर्मिनेशन भी ठीक होगी, उसके अलावा जो उसका सिट्टा बनेगा वो फरवरी में बनेगा और फरवरी में टेम्परेचर जो होता है वो 20 से 25 के दरमियान होता है, आइडियल टेम्परेचर होता है पोलिनेशन के लिए। उसमें हमारी गंदम की जो क्रॉप है उसकी पोलिनेशन अच्छी हो जाती है, दाने का सेल भी अच्छा बनता है और दानों की तादाद भी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से पैदावार अच्छी आती है। यही वजह है कि जब हम लेट कास्ट करते हैं तो फिर हमारी पैदावार कम आती है, क्योंकि प्लांट पॉपुलेशन भी पूरी नहीं होती, जर्मिनेशन भी पूरी नहीं होती और जो पोलिनेशन का अमल है वो भी ठीक ठीक तरीके से सरंजाम नहीं दे पाता। तो इसलिए मेरा फार्मर कम्यूनिटी को ये पैगाम है कि अपनी गंदम की काश्त अर्ली करें, 15 नवंबर तक अपनी गंदम की काश्त करें ताकि आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।